उत्तराखंड जोशीमठ भूमि कुंगिपोवडं पलु इल्लल्लो पगुळ्लु कोनसागुतुन्नायि। इवाळ पलु प्रांताल्लो डिजास्टर मेनेज्मेंट अधिकारुलु पर्यटिंचारु। पगुळ्लु एर्पड्ड इंडनु परिशीलिंचारु। भूगर्भं नुंचि वच्चे नीरुतो पलु प्रांताल्लो भूमि कुंगिपोयिनट्लु डिजास्टर मेनेज्मेंट अधिकारुलु तेलिपारु। प्रभावित ग्रामालनु वेंटने खाली चेस्तामन्नारु। ई प्रांताल्लो एलांटि इंडलु निर्मिंचुकोवालने दानिपै जीवो विडुदल चेस्तामनि डिजास्टर मेनेज्मेंट सेक्रेटरी रंजित सिन्हा तेलिपारु। कोन्नि प्रांताल्लो होटल्लु कुंगिपोयायनि మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో కొత్తగా వాటర్ పుట్టుకొచ్చిందని చెప్పారు। భూమి కుంగిపోవడంతో సుమారు 600 ఇళ్లకు పగుళ్లొచ్చాయి। దీంతో సుమారు 3000 మంది ప్రజలు ఇబ్బంది పడ్డారు। 60 కుటుంబాలు ఇళ్లను వదిలి వెళ్ళినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు। రాత్ హం లోగ్ కరీబ్ 6 బజే పహుంచే। 6 बजे को लगभग 2 घंटे हमने निरीक्षण किया, सर्वे किया। जहाँ नए क्रैक्स डेवलप हुए हैं, कुछ होटल टिल्ट कर गए हैं, जेपी कैंपस में नए पानी के स्रोत निकल रहे हैं, जो मड के साथ मिट्टी के साथ पानी निकल रहा है, काफ़ी तेज धारा है। वहाँ तो जेपी का एक पोर्शन लगभग 30% कैंपस पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, नया क्षतिग्रस्त है। आज हमारा पूरा सर्वे पूरे जोशीमठ का होगा, विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, देखेंगे। अब तक जो देखा हमने, हमारी अगस्त में जो टीम आई थी उनके द्वारा बताया गया कि बहुत सारे जगह पर नए क्रैक्स डेवलप हुए हैं, जो क्रैक्स पहले थे वो बड़े हो गए हैं। जो पानी निकल रहा है वो खतरनाक है, जो मड के साथ वो नीचे वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, उसे कण और सिंकिंग हो रही है, वो बहुत ही चिंताजनक बात है। इस शहर में सीवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम व्यवस्थित नहीं है, उसके कारण पानी सब जमीन में मरता है। जमीन जानते हैं यहाँ की जो मिट्टी है मोरेन है, लूज है, कहीं भी अगर पानी जमीन में मरेगा तो वो अपने साथ पूरा मिट्टी को घोल के ले जाता है और उसके कारण और सिंकिंग होती है। तो इन चीज़ों को हमें ठीक करना है तत्काल। इनको जिनके घर क्षतिग्रस्त बहुत ज़्यादा उनको हटाना, उनको रिलोकेट करना, जिनके घर में माइनर क्षति है उनको रिट्रोफिट करना, जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और ठीक नहीं किया जाता उनके मलबे को हटाना। शहर में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसके बायलॉज को बिल्कुल रेगुलेट करना पड़ेगा, उसको बायलॉज को हमको स्ट्रिंजेंट बनाना पड़ेगा, लाइट स्ट्रक्चर बने, गवर्नमेंट हेल्प करेगी उसमें लोगों को।